मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। वैसे भी लखनऊ प्रेस क्लब के का मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं, मैं तीसरी बार लखनऊ के प्रेस क्लब में आया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित, और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहां एक प्रोजेक्ट ला रही है एलिवेटर रोड, 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पर डेमोलेशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज, मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए, 16 अगस्त को भारत आज़ादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे आबादी का 80-85% वर्ग जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना जमीन थी, ना कोई उद्योग था, ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और था। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी उसके पास आज़ादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे जमीन आ गई हो, जिसके पास एक बीघा जमीन थी उसके पास एक बीघा जमीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे एक गज जमीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, इनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं, लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गाँव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पर सामंतियों का शोषण रह के मजदूरी मांगने पे पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए, और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी, और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र वो सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वहीं हैं हाशिए पे, और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है ये घर आज के नहीं है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से, अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है, सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के और उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं तो इनकी भी सुन सकते हैं, क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देख के कार्रवाई करे, क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर कहना वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है, जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको दे के और इनके जीवन को बचा सकती है, इनके उनको टूटने से बचा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है, अमीरों को रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदज किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पे ये हो
हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पर ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं और वो इस प्रोजेक्ट को और ऊंचा करके बना। लोग विरोध नहीं कर रहे प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना उनको कुचल के, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह उधर से बना लो, लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है और हम अपने लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं, अकबर नगर में जो हुआ है आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहाँ बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया कि आपको ये देना है। लोगों पे खाने को रोटी नहीं है लेकिन सरकार को पैसा चाहिए। तो ये पैसा जब करोड़ों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ करते तो जनता का माफ कर दो। तो मेरा ये मत है कि सरकार को हमारी इस मांग को सुनना चाहिए। और अगर सरकार, मुख्यमंत्री यही रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी खुद जाके देखेंगे तो उन माओ के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए और उनको तरस आ जाए गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूँ और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हम लोग लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि सत्ता हमारी बात को इसलिए सुनेंगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव में वोट मांगने भी सत्ता के लोग को जाना है, वरना वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी इसी तरह जो है विकास के नाम पे गरीबों को उजाड़ा गया, फिर जनता ने ये बताया कि धर्म सेकेंडरी है, पहले उनका जीवन है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो उनको नुकसान पहुंचाएगा उनको सबक सिखा वो वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। साथ साथ आपके और मेरे याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की एक भर्ती आई थी जिसके बहुत बड़े बड़े प्रचार हुए, लाखों बच्चों ने, लगभग 66 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, बड़ी नौकरी की व्यवस्था होने वाली थी, सब लोग परेशान खुश थे कि नौकरी आ गई है। फिर उसका पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने विरोध किया तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि इनको ये झूठा खबर फैला रहे हैं, लेकिन बाद में अंत मांगा और भर्ती कैंसिल की, 6 महीने का समय मांगा था। मैं बस लखनऊ में बैठ के मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहा हूँ, समय पूरा हो गया, वो बच्चे जो हैं इंतजार देख रहे हैं, उनकी बहनें सपने देख रही हैं, उनकी माएँ उनके पिता सपने देख रहे हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लग के अपने पैरों पर खड़ा होगा, हमारी ज़िंदगी बदलेगा। तो उस भर्ती को मुख्यमंत्री जी जल्दी करा दें। और साथ साथ मैं एक मांग को पार्लियामेंट में भी उठा चुका, यहाँ भी आपके सामने रख रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के हाथ में ताकत है, मेरे हाथ में नहीं है, कि वो पुलिस रिफॉर्म कर सकते हैं, पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करके उनको सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं, उनको इस बोझ से, अनावश्यक बोझ से, फ्रस्ट्रेशन से निकाल सकते हैं, उनकी वेतन विसंगतियां दूर कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, मेरे पास नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर होता तो आज ही कर देता, लेकिन उनके पास है, वो उनके उनकी बॉर्डर स्कीम से उनको निजात दिला सकते हैं। क्योंकि छुट्टी भी अगर मिल गई तो 500 किलोमीटर जब तक घर पहुंचेगा इतना तो छुट्टी का डे ही खत्म हो जाएगा। पत्रकारों पर एक रिपोर्टिंग करने 5 पत्रकारों मुकदमा कर दिया, ये जो पत्रकारों के पे हमले हो रहे हैं उनके आवाज को दबाया जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वादा तो किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मैंने तो बनारस में अभी एक SDM को पिटते हुए देखा। यहां कौन सुरक्षित है? अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उनको जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, वंचित वर्गों में बांट देना चाहिए उस भूमि को, जिससे कि वो लोग खेती किसानी करके, कोई रोजगार तो नहीं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, तो जो वेस्ट लैंड है उसको गरीब कमजोर तबके में बांट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के, जहाँ से मैं आता हूँ नगीना लोकसभा से, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बाढ़ से ग्रसित होने वाले हैं। सरकार चाहे तो उन लोगों की जीवन को सुरक्षित कर सकती है, बहुत लोगों की जाने जाती है, बहुत फसलें उजड़ जाती है, मुआवजे के नाम पे चंद सिक्के दिखाए जाते हैं। मैं आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि नींद से जाके मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुन लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे आज चर्चा आपको मुझे करनी है, उसके लिए मैं वहां से यहाँ चल के भी आया हूँ। भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है, लेकिन मेरे पड़ोस के जिले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हमें जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है उससे हम बचते हैं, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये जो किया जा रहा है ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो,
और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़िए कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाएं, और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पर दोबारा पुनर्विचार ना करें। ये योजनाएं प्रदेश को खंडित खंडित करने के लिए हैं। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने अपने प्रदेश में इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीज़ों को, सारे जो है योजनाओं का, को कंडम करता हूँ, और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। एक सेकंड दे दीजिए बस, जांच कहाँ गई और इतने लोग मर गए उसका जवाब कौन देगा, और सबकी जानकारी भी नहीं हुई, और ऐसी दोबारा घटना ना, क्या है आपका इंतजाम इस पे? बस जो लोग आवाज उठाने की आवाज दबाना चाहते, ये सही नहीं है। इसलिए मैं कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षित करता हूँ। सब कुछ है फिर भी दलितों को का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही है, क्या कमी है आपके पास? ऐसा थोड़े कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको तो देखो कितना लंबा, सातवां आठवां साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो, सातवां साल है आपको। ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज़ कमी है, अब कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या? अब तो आपकी सरकार, तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चल जाए पिछली से अच्छी है, तो पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है? आपके पास किस चीज़ की कमी है? अब तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो, हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते थक गए हैं।